गोरखपुर में बुधवार को 24 घंटे के अंदर मात्र 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं लखनऊ में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित एक 64 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,409 पहुंच गया है। इनमें 20,974 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 359 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 76 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की है। बुधवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में एक और कैंट थाना क्षेत्र में 2 मरीज मिला है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के जंगल कौड़िया कैंपियरगंज सहजनवा और ब्रह्मपुर में एक एक और चरगावा में 2 मरीज मिला है। इसकी पुष्टि डॉक्टर सुधाकर पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।